हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आरसी एजुकेशन हब बानसूर। चले बेटा, कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 4, सॉर्टिंग आउट मटेरियल्स इनटू ग्रुप। ओके, तो देखिए, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि मटेरियल्स को ग्रुप में डिवाइड करना क्यों जरूरी है। मैंने आपको बताया था, इजीली अगर हम चाहते हैं कोई भी मटेरियल हमारे पास अवेलेबल हो तो एसेंशियल है कि हम उसके ग्रुप्स बना दें। इज इट क्लियर? उसके बाद हमने नेक्स्ट या लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज मटेरियल की, जिसमें हमने डिस्कस किया था एक दो प्रॉपर्टीज़। आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारी प्रॉपर्टी आती है अपीयरेंस। ओके, अपीयरेंस का मतलब होता है हाउ दे लुक लाइक, हाउ मटीरियल लुक लाइक। ओके, हाउ दे लुक लाइक यानी कैसी उनकी लुकिंग है, कैसी अपीयरेंस है। तो इसमें हमने बात की थी, अपीयरेंस में मैंने आपको बताया था जनरली जो मेटल्स होती हैं, ठीक है, जिनको आप धातु बोलते हो, धातु, ये कैसे होते हैं, ये मेटल्स कैसे होते हैं, शाइनी होती हैं यानी इनमें चमक होती है। और जो नॉन मेटल्स होती हैं वो डल होती हैं, ठीक है। यानी अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स में आपको पता है क्या क्या आते हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, ओके, आपकी आयरन है, एल्यूमिनियम है, ये सारे मेटल्स होते हैं। और आप किसी भी न्यू आइटम को देखें, उनमें सब में क्या होती है, चमक होती है, दे हैविंग शाइनी अपीयरेंस। ओके, वेर एज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द नॉन मेटल्स देन दे हैविंग डल अपीयरेंस। उनकी अपीयरेंस कैसी होती है, वो शाइनी अपीयरेंस नहीं देती है, बट वो डल होती है। इज दैट क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है हार्ड एंड सॉफ्ट। देखिए, हार्ड का मतलब क्या होता है, द मटीरियल विच डू नॉट कंप्रेस्ड, डू नॉट कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड, और स्क्रैच्ड वो मटेरियल जिनको आप दबा नहीं सकते, जिनको आप स्क्रैच नहीं कर सकते, ठीक है, यानी इजीली प्रेस भी नहीं कर सकते और स्क्रैचिंग नहीं कर सकते अपने अंगुली या फिंगर से, तो उसको हम क्या करते हैं, उनको हार्ड मटेरियल कहते हैं। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जांपल, जैसे बोर्ड है, इसको मैं अगर स्क्रैच करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकती स्क्रैच। स्क्रैच करने का मतलब है इसको मैं तोड़ नहीं सकती नाखून से। इज दैट क्लियर? बट जैसे चोक है आपके पास, तो उसको आप नाखून से स्क्रैच करोगे तो वो क्या हो जाएगा, ईजिली ब्रेक हो जाएगा। हालांकि वो हार्ड है, बट दैट इज़ नॉट सो हार्ड, अंडरस्टैंड? क्योंकि अगर मेटल की बात करें तो वो हार्डेस्ट होती है, नॉन मेटल है वो जनरली हार्ड भी हो सकते हैं। ओके, तो देखिए, नॉन विच मटीरियल डू नॉट कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड इजीली, दे आर नोन एज हार्ड मटीरियल। ओके, और दूसरे होते हैं सॉफ्ट। सॉफ्ट क्या होते हैं, तो इनकी जस्ट अपोजिट हो जाएगी, मटीरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड, जिनको आप स्क्रैच भी कर सकते हैं और जिनको आप कंप्रेस भी कर सकते हैं। जैसे आपने देखा है, किसको आप कह सकते हैं, पिलो जो होते हैं, मैट्रेसेस जो होते हैं, यानी तकिया वगैरह, उनको आप इजीली दबा सकते हैं, तो उनको आप हार्ड नहीं कह सकते। ओके, वो सॉफ्ट होते हैं। तो ये इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी है, दैट सम मटीरियल्स आर हार्ड वेयर एज सम आर सॉफ्ट। तो हार्ड में आप लिख सकते हैं मेटल्स, ठीक है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, कोई भी आप लिख सकते हैं। और अगर सॉफ्ट की बात करें तो इसमें आप क्या लिखेंगे, स्पंज लिख दो, ठीक है, इसके अलावा पिलो, मैट्रेसेस, अंडरस्टैंड बेटा? नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी है, इसके बाद बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सॉल्यूबल सब्सटेंस विच डिजॉल्व्ड इनटू वाटर। वो सब्सटेंस जो पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास कोई कंटेनर है, ओके, और इसमें आपने वाटर फिल कर रखा है, अगर इसमें मैं साल्ट ऐड कर दूं, तो आपको पता है कुछ टाइम के बाद जो साल्ट है वो पूरी तरह से इसमें क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। ओके, आपको दिखाई देना बंद हो जाएगा, तो इसको हम कह सकते हैं इट इज़ सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन वाटर। सो सब सब्सटेंस विच डिजॉल्व कम्प्लीटली, विच डिजॉल्व कम्प्लीटली इन वाटर आर नोन एज सोल्यूबल, वेयर एज सब्सटेंस विच डू नॉट डिजॉल्व कम्प्लीटली इन वाटर, जैसे आप कह सकते हो ऑयल, सैंड, चौक पाउडर, ठीक है भाई, चौक पाउडर, सोइल, ऑयल या सैंड को आप डिजॉल्व करना भी चाहेंगे, आपने हिला दिया उसको, थोड़ी देर आपको लगेगा जैसे वो मिक्स हो गया, लेकिन जैसे आप इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे अनडिस्टर्ब्ड पोजिशन में, तो क्या होगा, ऑयल की तो लेयर ऊपर बन जाएगी,
ठीक है, ऑयल तो आपको ऊपर दिखाई देगा, और अगर हम बात करें बाकी की सैंड और चौक पाउडर तो वो क्या होंगे, नीचे सेटल्ड हो जाएंगे। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये आपकी तीन प्रॉपर्टीज थी मटेरियल्स की, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। हैव ए गुड डे।